भूपेंद्र सिंह, राजस्थान का मुख्यमंत्री मैं कैसे कहूं अशोक गहलोत, और दूसरी तरफ आसाम के आता हूं तो मालूम पड़ता है कि आप पता नहीं कितने दोनों मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव का जोश सभी राजनेताओं में देखा जा सकता है। गांधी परिवार के करीबी होने की वजह से भंवर जितेंद्र सिंह को असम के विधानसभा चुनाव का पूरा भार सौंपा गया है। वो पिछले 5 महीनों से अपनी पूरी ताकत के साथ असम के चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसका रिमोट कंट्रोल असम की जनता के हाथ में हो। अलवर के राजनेताओं का दबदबा असम में होने वाली सभी जनसभाओं में भी देखा जा सकता है। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ असम के प्रभारी भी हैं और इनका राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो वो भी काफी रोचक और सफलतापूर्ण रहा है। अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह ने 1998 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। उसके बाद 2003 में भी उन्होंने अलवर से ही विधानसभा का चुनाव जीता और उन्हें वर्ष 2007 में AICC का सचिव बनाया गया। 2009 में लोकसभा के चुनाव में अलवर से वे कांग्रेस के सांसद बने। 2011 में पहली बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। 2012 में गृह, रक्षा राज्य मंत्री व युवा मामलात और खेल का स्वतंत्र प्रभार का इन्हें मंत्री बनाया गया। असम में चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति भंवर जितेंद्र सिंह ने बनाई है और उनकी रणनीति का असर दिखाई भी दे रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह ने असम की संस्कृति को समझा और उसी को ध्यान में रख के अपनी रणनीति बनाई। धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर बहुत सारे उल्टे सीधे भाषण देने की कोशिश करी, लेकिन असम की जनता ने इनको अंगूठा दिखा दिया है। कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए रणनीति के साथ साथ कार्यक्रम का प्लान हो या फिर स्टार प्रचारक हो, इन सभी चीजों का जिम्मा इन्होंने अकेले उठा रखा है। असम में राजस्थान मूल के लोगों को लुभाने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह ने अलवर के राजनेताओं की एक लंबी कतार लगा दी। श्रम मंत्री टीकाराम जूली जैसे नेताओं का साथ भी इन्होंने जरूर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV, भारत।